मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को अखिल भारतीय संत समिति के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पटौदी स्थित आश्रम हरि मंदिर पहुंचे। अधिवेशन में धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण से संबंधित विषयों पर मंथन के लिए देश के विभिन्न राज्यों और 13 अखाड़ा परिषद के साधु संत शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के माध्यम से जनसेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य है। प्राचीन काल में जब राजशाही का समय था तो राजा से कोई गलती होने पर धर्म के पुरोधा राजा के सिर पर मयूर पंख रखकर उसे आभास दिलाते थे कि शासन व्यवस्था भले ही उसे दंडित ना करे लेकिन धर्म उसे अवश्य दंड देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनोहर लाल के होते हुए हरियाणा में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। आज हरियाणा सरकार अंत्योदय के भाव के साथ समाज के वंचित और पीड़ित वर्ग को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियां बना रही है और उनकी जीवन शैली में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं को प्रधानमंत्री न कहते हुए देश का प्रधान सेवक कहा है, उसी प्रकार से प्रदेश में मेरी भूमिका मुख्य सेवक की है। पत्नी का अपना धर्म है, पत्नी का अपना धर्म है, विद्यार्थी का अपना धर्म है, सेवक का अपना धर्म है, तो सब धर्म के नाते से एक ड्यूटीज का एक गुच्छा है, ड्यूटीज का एक कुंज है, हमारे कर्तव्य परायणता ये धर्म के आधारित है। तो मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि उन प्राचीन परंपराओं को बहुत से लोग दरकिनार करके भूलते जा रहे हैं, लेकिन जब हम संत समाज के चरणों में बैठते हैं और जो इनके द्वारा मार्गदर्शन हमको मिलता है तभी जा करके दिशा ठीक होती है समाज में हर व्यक्ति की।